राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली में 3 दिवसीय मंथन शिविर सोमवार को शुरू हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले दिन राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर विचार रखने के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार का नाम लिए बिना 2 बड़े संदेश दिए। बता दें कि 2014 में देश की सत्ता पर विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, जबकि सर संघचालक ने साफ कहा है कि संघ मुक्त पर नहीं बल्कि युक्त पर जोर देता है। भागवत ने कहा कि हम लोग सर्व लोक युक्त वाले लोग हैं, मुक्त वाले नहीं। सबको जोड़ने का हमारा प्रयास रहता है, इसलिए सबको बुलाने का प्रयास करते हैं। भागवत ने कहा कि संघ की ये पद्धति है कि पूर्ण समाज को जोड़ना है और इसलिए संघ के लिए कोई पराया नहीं है। जो आज विरोध करते हैं वो भी नहीं, संघ केवल ये चिंता करता है कि उनके विरोध से कोई क्षति ना हो। उन्होंने कहा कि RSS शोषण और स्वार्थ रहित समाज चाहता है। संघ ऐसा समाज चाहता है जिसमें सभी लोग समान हो, समाज में कोई भेदभाव ना हो। SPN नैनीजुरुम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।